आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आगरा में पुलिस ने ताजमहल के भगवा झंडा लगाकर फोटो पोस्ट करने वाले नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी को गिरफ्तार कर लिया। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद ताजमहल को तेजो महल कहना भूल गए हैं। इस मौके पर अमित जानी ने कहा कि पुलिस को गिरफ्तार करना है तो संगीत सोमा और उन तमाम नेताओं को गिरफ्तार करें जो ताजमहल को तेजो महल कहकर बयान दे रहे हैं। 25 साल से तो हम गोरखपुर से ही सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ जी से तेजो महल है, तेजो महल है, तेजो महल है। अब क्या ये पाकिस्तान हो गया, उत्तर प्रदेश क्या दिक्कत हो गई है? हमने अगर वो कह रहे शिव मंदिर है, विनय कटियार का बयान आया परसों, शिव मंदिर है, आरएसएस कह रही शिव मंदिर है, योगी जी 25 साल से कह रहे हैं कि तेजो महल है, और पूरी भाजपा कह रही है, संगीत सोम कह रहा है वो धब्बा है, और हमने अगर कह दिया अगर वो शिव मंदिर है तो शिव मंदिर पे भगवा होता है, इतना ही तो अपराध है हमारा, शिव मंदिर पे तो झंडा होता है, तो झंडा लगा दिया तो उस पर इतना बड़ा अपराध हो गया है? वास्तविकता तो झंडा नहीं लगाया हमने, को बाबरी मस्जिद तो नहीं तोड़ दी उनकी तरह, लेकिन देखिए कितना बड़ा बवाल है। मुझे लगता है पाकिस्तान बन गया है जब से भाजपा की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश। आगरा के सिकंदरा में स्थित एक गुरुद्वारे के सामने प्रेमी युगल का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां घर से भागे एक प्रेमी युगल को पुलिस और परिवारी जनों ने जब पकड़ा तो प्रेमी ने हाईवे पर जबरदस्त उत्पात मचाया, जिसमें प्रेमिका को परिजनों से छुड़ाने के लिए प्रेमी हाईवे पर जाकर तेज रफ्तार गाड़ियों के आगे लेट गया। वहीं गनीमत रही कि पावर ब्रेक लगाकर गाड़ियों के रुक जाने से वह बच गया। इस दौरान पुलिस और परिवार के बीच हुई नोकझोंक का फायदा उठाकर प्रेमी वहां से भागने में सफल हो गया। आगरा में योगी सरकार की पुलिस का असली चेहरा देखने को मिला, जहां थाना एतमद दौला की पुलिस ने मानवता को शर्मसार कर दिया। दरअसल थाने में आई एक पीड़िता तकरीबन एक घंटे तक थाने में ही लहूलुहान हालत में पड़ी रही, जिसे किसी भी पुलिस वाले ने अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। पीड़ित महिला अपनी बेटी की छिड़खानी की शिकायत लेकर थाने आई थी। हाथरस में जमीनी विवाद के चलते देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव घर के अंदर बाथरूम में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारी डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि एक जमीन को लेकर युवक का बहुत समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते कई बार मारपीट और झगड़ा भी हो चुका था। इस मामले में कुछ समय पहले मृत युवक के पिता की भी हत्या हो चुकी है। वहीं यहां पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में 1857 में महाराजा सर भगवती प्रसाद सिंह के राज परिवार द्वारा बनवाया गया मंदिर वर्ष में केवल एक बार अक्षय नवमी के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। नीलबाग परिसर में स्थित राधा कृष्ण का यह विशाल मंदिर अपने आप में भव्य एवं आकर्षक है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस प्राचीन मंदिर में आकर पूरी निष्ठा के साथ दर्शन करने के बाद जो कुछ भी मांगा जाता है उसकी पूर्ति जरूर होती है। हमीरपुर में प्रथम चरण के चुनाव के चलते शासन से आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिले में 3 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत में चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस मौके पर पुलिस व्यवस्था के साथ 7 आरओ और 11 एआरओ को तैनात किया गया है। वहीं कई प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि चुनाव में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है वह सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। मैनपुरी की घिरोर पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की। साथ ही पुलिस ने बदमाश के पास से फैक्ट्री में राइफल भी बरामद की, जिसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया। दरअसल आरोपी पर पुलिस पर हमला करने का आरोप लगा था, तो इस आरोपी पर आगरा समेत कई जिलों के थानों में केस दर्ज है। गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे के पास बने संतोष मेडिकल कॉलेज में पिछले 7 महीनों से वेतन न मिलने से नाराज डॉक्टर डीएम कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठे हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का आरोप है कि उन्हें पिछले 7 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण डॉक्टर्स को कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों की जान भी हलकान में आ गई है। गाजियाबाद में अमानतुल्ला के पार्टी में वापसी पर कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में कहा कि किसी के करने से कुछ नहीं होता है, उनके बारे में कुछ कहना बेकार है, वो एक मुखौटा है। वहीं इस मौके पर कुमार विश्वास ने कहा कि राजस्थान में पार्टी सफल हो रही है तो इस पार्टी को लोगों ने वैकल्पिक राजनीति के लिए चुना है, जो धर्म की राजनीति नहीं करती आंदोलन करते हैं। कुमार विश्वास ने राष्ट्र परिषद की मीटिंग में सवाल उठाने पर कहा कि अगर मौका मिला तो बोलूंगा, जहां हो सकता है कि बोलने का मौका ना मिले। सच बोलने से तो बहुत परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है। नीम का पत्ता रक्त शुद्धि करता है लेकिन कड़वा होता है, खाने में बहुत मुश्किल होता है। तो चूंकि मैं तो आज भी उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे को कुछ लेना देना है नहीं, तो मैं आखिरी आवाज़ की तरह काम करूँगा, और अंतरात्मा जैसी आवाज़ है इस पार्टी की मेरी, मैं बोलता रहूँगा और अंदर बोलता हूँ। ऐसे बहुत सारे फैसले हुए जो बहुत बुरे थे, मैं जिन पर बहुत परेशान था, व्यथित था, अंदर लड़ा बुरी तरीके से, लेकिन अकेला पड़ गया,
वो समूह में थे, उन्होंने कहा नहीं हमारा फैसला होगा। वो राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल थे और मैं बड़ा अंदर से राष्ट्रीय व्यक्ति हूँ, राष्ट्रवाद वाला आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुमत को स्वीकार किया अगर पार्टी ऐसा करे। पार्टी ने मुझे कहा आप पंजाब मत जाइए, हम पंजाब अकेले लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है, अगर आप जीत रहे हो तो आप जरूर साथ दीजिए, मैं पूरी सहायता करूंगा। यहाँ बैठ के मैंने सहायता की जितनी कर सकता था, लेकिन सच अंदर तो बोलूंगा, बोलना पड़ेगा। श्रावस्ती में एक मूर्ति कलाकार के छप्पर में रखी मूर्ति में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस आगजनी में कई अर्धनिर्मित मूर्ति जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। यह घटना इकोना के साईं मंदिर के पास घटित हुई। मुजफ्फरनगर के सीकरी गांव के जंगल में 3 संदिग्ध बदमाशों की सूचना पर पहुंची पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 संदिग्ध बदमाश मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस घेराबंदी कर जंगल में कॉम्बिंग कर रही है। वहीं पुलिस ने मौके से 1 गाड़ी और 3 मोबाइल फोन सहित हथियार बरामद किए हैं। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।